सुख के साथ रहो यार, ठीक है, किसी की जरूरत। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अनदर व्लॉग में स्वागत है। ये मेरा पहला व्लॉग है, माय फर्स्ट व्लॉग। क्या बोला तूने? हाँ, पहला व्लॉग नहीं है, इससे भी पहले मैंने 4 से 5 व्लॉग और हाँ कुछ शॉर्ट्स भी डाले। ये फंस गया सी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज ये मेरा पहला व्लॉग इसलिए है कि मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट होने आऊँ, आप लोगों से कनेक्ट होने आऊँ, आप लोगों के साथ बातें करने आऊँ। यार दरअसल ना, जैसे साइड में सड़क है और बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो क्यों ना खाली जगह पर चले। हाँ चलो चलते। लो तो भाई आ गए, सुंदर से, प्यारे से और शांति से भरे इस जगह पे। देख सकते हो नज़ारा तो बहुत ही, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। इस ब्लॉग के अंत में या फिर दूसरे ब्लॉग में जरूर दिखाएंगे इसका नज़ारा। फिलहाल तो चलो बातें करते हैं। हाँ दोस्तों, तो हुआ ही हूँ, मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि भाई तू व्लॉगिंग चैनल खोल रहा है, माय फर्स्ट व्लॉग करके तो कोई वीडियो बना। मैंने भी यूट्यूब में कुछ चैनल्स देखे जिन्होंने माय फर्स्ट व्लॉग करके अपना व्लॉगिंग चैनल शुरुआत किया। बेसिकली ये मेरा पहला व्लॉग तो नहीं है, बट आज मैं आप सभी से पहली बार इंटरेक्ट होने आया हूँ, तो इस कारण मेरा पहला व्लॉग है। क्योंकि पहले भी मैंने 4-5 व्लॉग डाले हैं, लेकिन वो सब रैंडमली थे, था शौक मेरे को पहले से था, मेरी सोच पहले से थी कि मुझे व्लॉग चैनल खोलना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा पहला व्लॉग बैतार रानी घाट, दूसरा छिंदारी डैम, तीसरा है ना। और उस टाइम होता क्या था यार, मुझे ना कैमरा के सामने बातें करने नहीं आती थी, अपने आप को एक्सप्रेस करने नहीं आता था, तो आने में मतलब समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, मतलब डर लगता था थोड़ा सा। एकदम इन्होंने वक्त बदल, ठीक है कोई नहीं, धीरे धीरे अपन भी शुरुआत करेंगे व्लॉगिंग चैनल का। आपको ना इस मेरे व्लॉग में ना, मेरे चैनल में आपको सभी तरह के व्लॉगिंग व्लॉग रिलेटेड ना वीडियोस मिलेंगे, जैसे ट्रैवल, एडवेंचर और डेली व्लॉग्स वगैरह वगैरह, जैसा भी आपको पसंद है। ठीक है, अपन कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से कंटेंट लाएं, कोशिश नहीं यार, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट ही आएंगे इसके बाद, बस एक बार आप लोगों से बात करने की देरी थी। आई होप ये मेरा माय फर्स्ट व्लॉग है, पसंद आएगा। हाँ तो भाई, कुछ लोग थंबनेल को देख कर आए होंगे और कुछ लोग ये जानने आए होंगे कि बंदा कर क्या रहा है भाई अपने फर्स्ट व्लॉग में, या फिर कुछ लोग ये जानने आए होंगे कि अगर फर्स्ट व्लॉग में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत लगती है। देखो भाई, अगर आप ना न्यू, अगर आप पहली बार आया हो ना, आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी मत करना, क्योंकि मेरे पास भी कुछ नहीं ना, ट्राईपॉड है, बस एक फ़ोन है कि स्मार्टफोन होना चाहिए और बाकी कुछ नहीं। और बाकी आपको जगह सिलेक्शन करने आना चाहिए कि कौन सा प्लेस बहुत अच्छा होगा आपकी व्लॉगिंग के लिए। और माफ़ी चाहूँगा भाई कि यहाँ तो शोर शराबा हो नहीं रहा है, बट इतनी इतनी प्यारी सी जगह है ना, बहुत ही मनमोहक, एकदम मतलब प्रकृति है यार, प्रकृति, जिसके कारण ना जो हवा है ना उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कोई नहीं, आप समझ सकते हो। नहीं देखो यार, अगर ना आप ना एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो आपके पास अगर ट्राईपॉड नहीं है वगैरह वगैरह कुछ भी चीज़ें नहीं है ना, तो बहाना मारने की कोई ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे सब आएंगे यार, बस मेहनत की ज़रूरत है। तो फिलहाल आप जो भी चीज़ें, जिस चीज़ से भी ना आपको मदद मिल सकती है, उन चीज़ों को पकड़ो और बस शुरू हो जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ू यार, मुझे ना वीडियो एडिटिंग और जिस जगह पर भी जाओ ना, तो वहाँ एक फुटेज या फिर छोटा सा क्लिप लेने का बहुत ही शौक है यार। मतलब मैं अपने दोस्तों को भी, अबे चल चल तू खड़े हो, मैं तेरा फोटो खींच रहा हूँ या फिर वीडियो ले रहा हूँ, ऐसा करके ना उन लोग को भी मैं खड़े करा देता हूँ यार, बहुत ही ना। तो अगर ना ऐसा है कि बस आपके मन में होना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो ना, तो आपके मन से आना चाहिए, ठीक है ना भाई। धीरे 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 मेहनत करोगे, बार बार उसी चीज़ को करोगे, तो परफेक्ट तो होगा ना, परफेक्शन तो आएगी ना, ऐसा बात तो नहीं कि एकदम फिर सब खत्म हो जाएगा, ऐसा है क्या, कुछ नहीं है ना दोस्तों। कि अगर आप ना, अगर नया कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी भाई, कुछ भी, यूट्यूब ही नहीं,
कुछ भी अगर आप ना शुरुआत करना चाहो ना तो आपको एक हेटर्स मिलेंगे जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपके सपोर्ट में ना हमेशा कोई ना कोई होता है, ठीक है, ये बात जरूर याद रखेगा। भले कोई ना हो भाई, अपन खुद तो है ना, खुद है ना, ठीक है, तो खुद के साथ रहो यार, ठीक है, किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ कोई आपके साथ है तो बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं। मुझे भी मेरा एक दोस्त है जिसने मेरे मैत्री गार्डन वाले जो व्लॉग है, अगर नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो, लिंक और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसने मुझे बहुत धकेला कि तू जा सामने जा, पब्लिक के सामने इंटरेक्ट हो, अपने डर को भगा। तो बस उसी के कारण आज ना मैं आ गया हूँ आपके सामने भी डायरेक्ट बातें करने। तो यार ऐसा बात नहीं है, खुद में बदला हूँ होना चाहिए, बाकी सब पते कर देंगे, है ना। आप मुझे जो भी गलतियाँ हुई होंगी उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हाँ तो दोस्तों, अब व्लॉग एंड करने का वक्त आ चला है। जो भी लोग अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, शायद उनको अब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि यार जिनको पसंद आएगा वो ऑलरेडी हुए। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, दिल से अच्छा लगता है यार, दिल से अच्छा लगता है। ये क्या है? अच्छा, मैंने जैसे व्लॉग की शुरुआत में बताया था कि जो ये प्लेस है इतना सुंदर सा प्लेस है ना, तो उसको मैंने सोचा था कि लास्ट में इस व्लॉग के एंड में ज़रूर डालूंगा, पर ये क्या है यार, अपन डायरेक्ट इंटरेक्ट वाली व्लॉग है ना, मतलब आपसे बातचीत वाली व्लॉग, तो इसको ना अपन जस्ट ना नेक्स्ट व्लॉग में डालते हैं, ठीक है। तो जस्ट मेरे साथ बने रहिएगा, तो चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, बाय बाय टाटा, गुड बाय। I'm gonna go to bed.